नमस्कार दोस्तों, चलिए हम आपको बागेश्वर धाम से हिंदू सनातन एकता पद यात्रा का जो शुभारंभ 21 नवंबर को किया गया है तो उसमें हम जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ही हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ चुके हैं। तो हम उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस रैली का उद्देश्य क्या है और वो इस रैली में कहाँ से जुड़े हैं और कहाँ तक जाएंगे। जो कि भैया लोग आ रहे हैं, हम उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस रैली के बारे में क्या कहना है। मतलब एक दूसरे से नहीं रह पा रहे, लेकिन ये हमारे लाखों की तादाद में गुरुजी एक करके चल रहे और एक मंडप में सो रहे, एक मंडप में खाना खा रहे और एक एक साथ रह रहे हैं। ये सबसे बड़ी, इससे बड़ी हम एक ईश्वर की ही शक्ति मान सकते हैं। जी बिल्कुल। और आप जनता को इस रैली के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी हमारा सहयोग जितना बन सके, जैसे कि हिंदी के हमारे शब्द हैं, हिंदुस्तान जो हिंदी के शब्द बोले जाते हैं, तो हिंदी शब्द मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से उत्पत्ति हुई हमारे आ से लेकर छात्राज्ञा तक की, और हम उसका उपयोग करते हैं। कोई भी सदस्य को ये नहीं बोल सकता कि हम आ शब्द नहीं बोल रहे, कि का शब्द नहीं बोल रहे, कि मा शब्द नहीं बोल रहे, हर शब्द यूज करता है। और आज वो वक्त आ चुका है कि हमें इसका, जैसे बोलते ना कि माँ को अपना दूध का कर्ज चुकाने, फर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो आज भी हमारा, हम जो शब्द यूज करते हैं तो उस शब्द के मतलब उसको चुकाने का वक्त आ गया है। कि हमारी हिंदी शब्दों को कष्ट है, हिंदू राष्ट्र को हमारे कष्ट है, हमें दिखाई दे रहा है, हमें झलक लग रही है। तुम्हारी हमारी ये सनातन धर्म की मतलब जो शक्ति है, उस सनातन धर्म की शक्ति ने जो शब्दों को बनाया है, हमारी हिंदी को बनाया है, हिंदी यूज पूरा विश्व मतलब उसका वो करता है, मतलब उस, जैसे हम पढ़ने बच्चों को भेजते हैं तो हम सबसे पहले हिंदी के शब्द ही पढ़वाते हैं, तो हमारे शब्दों को जो अगर खत, जैसे आप हैं, हमारे घर में किसी परिवार को अगर कष्ट होगा तो हमारा दिल दुखता है, हमारे परिवार में किसी को भी कष्ट होगा तो हमारा आत्मा दिल दुखता है। अपन आप का कहने तो इसी तरह हमको है, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हाँ। क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र का ये सनातन है कि हम सुरक्षित रहेंगे कि चलेंगे, हमारा ये संस्कृति, हमारे हिंदू राष्ट्र की संस्कृति है, जो मतलब संस्कृति है कि हम अपने को भी सुरक्षित रखेंगे और आपको भी रखेंगे। तो हमारी यही है सारे संसार से विनती कि आज वो वक्त आ चुका है, इस शब्दों को हम जैसे यूज करते फोन में, मोबाइल में, सब में, कि हम तो उस पर देते हैं कि हमको इतना शब्द बोल लेगा तो हमारा 300 रुपये एक महीने का डाटा है, तो उतने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम शब्दों का और बगैर उसमें कितना उपयोग कर रहे हैं, हम शब्दों का कितना मतलब, उसका कोई बिल तो लगता नहीं। जिस शब्द ने भी लिखे हैं, हमारे सनातन धर्म ने हिंदी शब्द लिखे हैं, तो उसका आज खतरे में है, इसलिए सनातन धर्म हमारा जागा है। और हमारे गुरु जी ने इसकी अंदर से उनको लगा, ईश्वर ने उनको प्राप्ति की लगाई कि नहीं, हमारे हिंदू राष्ट्र को खतरे में। जी बिल्कुल। और जैसा कि इस पद यात्रा का शुभारंभ 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से किया गया था, जिसका समापन 29 नवंबर को ओरछा रामराजा सरकार में होने वाला है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि रामराजा सरकार ये पद यात्रा कितने कब पहुंच सकती है, कितने बजे? ये पद यात्रा ऐसी है श्रीमान जी, क्योंकि ये पद यात्रा हमारे सनातन के लिए है, ये बात तो सत्य है। और ये सनातन बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम मतलब हमारे ईश्वर, ईश्वर मतलब हम, कितनी मतलब हमारे धर्म के जो है गुरुजी, तो जा कहाँ रहे हैं, ओरछा धाम, ओरछा मतलब ओर छोड़ नहीं, रामचंद्र जी का कोई ओर छोड़ नहीं है। आप पूरे विश्व में जाइए, रामचंद्र जी का कोई ओर छोड़ नहीं है। अब बोलते कि जैसे बागेश्वर धाम, आप बोले बागेश्वर धाम, बाघ, बागेश्वर, बागेश्वर मतलब बाघ, बाघ माने आप सब संसार जानते कि सिर्फ बाघ माने बाघ होता है, बगीचा, जंगल, मतलब और स्वर मतलब बाघ के स्वर, बागेश्वर मतलब बाघ के शेर है, ये सब सनातन धर्म के जो शेर है ये बाघ के ही शेर है, हम सब जितने भी है संसार में ये सब हम बाघ के शेर है, हिंदू सनातन धर्म के जो भी है ये बाघ के शेर ही, इसलिए बागेश्वर धाम हमारे है जो गुरु जी, ये बागेश्वर के शेरों को छोड़ दिया है और ये संसार में सनातन धर्म को ला के रहेंगे, सनातन धर्म को ला के रहेंगे। हमारे सनातन धर्म के जो भी हिंदू के मतलब जो साधु संत है, महात्मा, जैसे कि कितने जन्म से आए हैं, कितने पहले से आए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सभी को, तो हमारा इंसानियत का जो धर्म है वो सबसे पहले सनातन धर्म में है। इंसानियत जो चीज़ होती है, पूरे वर्ल्ड को भी हमें कहना चाहते हैं कि इंसानियत क्या चीज़ होती है, सबसे बड़ा धर्म वो है, वो सबसे बड़ा धर्म हमारा इंसानियत का सनातन धर्म है।
आप कहीं भी पुराण में चले जाइए, इंसानियत के लिए भगवान ने जन्म लिया, इंसानियत से जो बगैर इंसानियत पे जाते उसको मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, रामचंद्र जी ने उसी को मिटाने के लिए सनातन धर्म के श्री प्रभु ने जन्म लिया था तो उसको मिटाया, ये युगों युगों से चला रहा है और इस हमारे संदर्भ को जहाँ भी खतरा लगेगा प्रभु हमारे आएंगे जी। धन्यवाद धन्यवाद श्रीमान जी। जैसा मतलब